वनवासियों और गोबर विक्रेताओं की प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर के, प्रदेश के किसानों, तेंदुपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेताओं के खाते में 1,737.50 करोड़ रुपए की राशि सीधे डाली जाएगी। और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी कुछ ही देर में शामिल होने वाले हैं। अरे उसमें परिवर्तन यात्रा में हम लोग गए थे, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खातों में आज पैसे जमा किए जाएंगे, पहली किस्त दी जाएगी। और स्वर्गीय राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ये पहली किस्त किसानों के खातों में दी जाएगी, जिसकी शुरुआत आज होगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। तो कई सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज इसमें शामिल हुए हैं, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और भी कई सारे नेता इसमें शामिल होंगे। गोधन न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है, तेंदुपत्ता संग्राहकों, गोधन न्याय योजना और कई सारी योजनाओं के तहत आज एक बड़ी रकम की किस्त जारी की जाएगी। तो किसानों को एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती के चलते आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में यहाँ कांग्रेस युवा दिवस के रूप में इसे मना रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों को एक बड़ी सौगात आज कांग्रेस देने जा रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी कि ऑनलाइन भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज इसमें शामिल होंगे। तो 1,737 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है उसकी किस्त किसानों के खाते में डाली जाएगी, जिसकी शुरुआत आज से होगी। और राजीव गांधी के जन्मदिन पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो विक्रेताओं को आज प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मध्य प्रदेश में युवा दिवस के रूप में कांग्रेस इसे मना रही है, जहां कमलनाथ युवाओं से सीधा संवाद भी करेंगे।
तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों को तेंदुपत्ता संग्राहकों और गोबर विक्रेताओं के खाते में 1,737.50 करोड़ रुपए की राशि भेजेंगे। धान गन्ना और मक्का उत्पादन 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की सौगात भी मिलेगी। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 50 लाख और तेंदुपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2018 के प्रोत्साहन परिश्रमिक के रूप में 232.81 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ ही देर में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसमें उपस्थित हैं। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि राजीव गांधी के शहादत दिवस यानी कि 21 मई को प्रदान की गई थी। और गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। कुछ ही दिन पहले इसकी भी शुरुआत की गई थी और इस योजना में 20 जुलाई से 15 अगस्त तक 6,17,00,000 रुपए मूल्य के 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीदी जा चुकी है। और गोधन न्याय योजना का पहला भुगतान 5 अगस्त को 1,65,00,000 रुपए का किया जा चुका है और प्रदेश के 4,377 गोठानों से 3,205 क्रियाशील गोठान हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी आपकी इजाजत हो शुरू करें। हाँ सर जी, इसमें आवाज क्या है? हमारे यहाँ तो आवाज आ रही है सर, क्लियर है। जी सर, थोड़ा आपकी थोड़ी कम आ रही है आवाज। जी सर, आपकी इजाजत तो शुरू करें, आवाज आ रही सर। राजीव जी की आज जयंती है, इस अवसर पर हमारे बीच हमारे सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, आदरणीय पीएल पुनिया साहब, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय पीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, रवि चौबे जी, श्री डहरिया जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, कवासी लखमा जी, जय सिंह अग्रवाल जी, अनिला भेड़िया जी, गुरु रुद्र कुमार जी, उमेश पटेल जी और अमरजीत भगत जी, चंदन यादव जी, सभी भाई मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी हमारे संसदीय सचिवगण, सभी विधायकगण और जिलों से जुड़े हुए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ मेरे साथ हमारे मुख्य सचिव आरपी मंडल जी और सभी हमारे अधिकारीगण उपस्थित, सभी साथियों, आज राजीव जी की जयंती और जिन्होंने बहुत कम समय में हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाई में ले जाने का उनका सपना था और उसमें उन्होंने जो कदम उठाए वो पूरे देश और दुनिया को मालूम है। जहां नौजवानों को 18 साल के नौजवान को मताधिकार, मतदान करने का अधिकार दिया, संचार क्रांति किया, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर लाने का काम किया, वहीं जनप्रतिनिधियों को अधिकार देने के लिए पंचायती राज लाया, साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति और किसानों के लिए वो सतत प्रयास करते रहे और उनके ही सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय सोनिया जी ने और राहुल जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिया उसके अनुरूप
आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ न्याय करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिसके पहले किस्त 21 मई को राजीव जी के शहादत के दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, वहीं आज उनके जयंती के अवसर पर दूसरी किस्त जिसमें 1500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाले जाएंगे, जिसमें सीमांत कृषक 9,55,531, लघु कृषक 5,61,532 और दीर्घ कृषक 3,21,538, कुल मिला के 18,38,592 किसानों को आज 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। एक दूसरी योजना हम लोगों ने शुरुआत की है, गोधन न्याय योजना, जिसमें प्रति किलो दो रुपए के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है और इसकी शुरुआत हम लोगों ने हरेली त्योहार के दिन 20 जुलाई के दिन हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें 15 दिन के अंदर में भुगतान करने का, हर 15 दिन में भुगतान करने का फैसला किया। इसके तहत 5 अगस्त को 50,000 पशुपालकों को 1,65,00,000 रुपए का भुगतान हम लोगों ने किया था। आज दूसरा किस्त हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें 76,426 पशुपालक हैं, उसके 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही इसे वर्मी कंपोस्ट बनाने का फैसला किए हैं और इसके तहत भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के आय में वृद्धि होगी। और तीसरा, इसी के तहत वर्मी कंपोस्ट बनाने के प्रशिक्षण भी लगातार दिया जा रहा है और जब हम लोग ने शुरुआत किया था तो 2400 गौठान संचालित हो रहे थे और ये एक महीने के भीतर में वो आंकड़े बढ़ के 4400 गौठान में गोबर खरीदी के काम शुरू हुआ है। तीसरा जो कार्यक्रम है, तेंदुपत्ता संग्राहक प्रोत्साहन पारिश्रमिक, हमने चुनाव के समय वादा किया था कि 4000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदी करेंगे और उसे निभाए भी, जिसमें 12 लाख संग्राहकों को 371 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और प्रोत्साहन राशि के रूप में आज 233 करोड़ की राशि संग्राहकों के खाते में आज डाले जाएंगे आपकी उपस्थिति में। इस प्रकार से तेंदुपत्ता संग्राहकों के आय में 60% की वृद्धि हुई है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो प्रचलित बीमा योजना थी उसे बंद कर दिया गया, लेकिन हम अपने आदिवासी भाई बहनों के परिस्थिति और समस्या को देखते हुए हमने एक योजना शुरू की, जिसमें महेंद्र कर्मा जी जो झेलम घाटी में शहीद हुए थे उसके नाम से ये योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए राशि दी जाएगी, जिसमें कोई भी एक्सीडेंट होता है या मृत्यु होती है तो जैसे बीमा में राशि मिलती थी उसी प्रकार से राशि इन लोगों को भी दी जाएगी और बल्कि दावे करने कारण से जो साल डेढ़ साल का समय लगता था अब वो एक महीने के भीतर में सारे प्रकरण निपटाते हुए उन हितग्राहियों को राशि दे दी जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 4,370 गौठान हैं, पंजीकृत जो पशुपालक है वो 1,01,919 है, जिसमें लाभान्वित जो पशुपालक है वो 77,000 है, तो कुल जो राशि जो देना है उसमें 6,17,60,400 रुपया देना है, जिसमें 1 करोड़ रुपया 1.65 हम लोग दे चुके हैं, 4.5 करोड़ रुपया आज हम लोग देंगे। लेकिन एक बात मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रतिदिन जो गोबर खरीदी है वो 11,437 है, प्रति पशुपालक वो 4 क्विंटल है और प्रति गौठान जो गोबर आ रहा है वो 71 क्विंटल है। इसमें जो पिछले समय जो बात हुई थी, हमेशा राहुल जी की चिंता रहती है कि जो लैंडलेस लेबर है उसके आय की कैसे वृद्धि हो, और इस मामले में बताना चाहूँगा कि ये जो गोबर खरीदी हो रही है
उसमें अन्य पिछड़े वर्ग के लोग 49.71% है, अनुसूचित जनजाति के जो साथी हैं वो 37.41% और अनुसूचित जाति वो 8.30%। पुरुषों की संख्या जो गोबर बेच रहे हैं वो 60% है और महिला है वो 40% है। एक बात इसमें बहुत, जो किसान हमारे सहकारी समितियों में जो पंजीकृत किए किसान, उसमें हम लोगों ने देखा उसको आईडी से उसको जोड़ दिए थे, तो उससे हुआ ये कि हमको ये पता चला कि वो किसान जो पंजीकृत नहीं है, ऐसे पशुपालक या कह सकते हैं कि जो लैंडलेस लेबर है, वो गोबर बेचने वालों की संख्या जो है 71.2% है। तो इस प्रकार से लैंडलेस लेबर के आय में वृद्धि करने का जो काम है इसके माध्यम से होगा। उसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट भी हम लोग बनाएंगे, जिससे भी वहाँ के चाहे युवा समूह हो महिला समूह हो उसको रोजगार देने का काम, और वहीं जो गौठान जो हम लोग बनाए हैं उसमें 1 एकड़ जमीन जो है वो औद्योगिक केंद्र के रूप में रहेगा, जिसमें हमारे जितने प्रशिक्षण भी देंगे और वहाँ चाहे वो लघु अनुपज हो चाहे कृषि से उत्पाद हो वहाँ वो वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का ये गोधन न्याय योजना है, और इस योजना को पूरे छत्तीसगढ़ में काफी हमारे ग्रामीण जनों ने हाथों हाथ लिया। वहीं शहरी क्षेत्र में भी 370 गोबर खरीदी केंद्र हम लोग बनाए हैं और वहाँ भी वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू हुआ है। तो जहाँ एक तरफ स्वच्छता, दूसरे तरफ गौपालकों के आय में वृद्धि, तीसरे तरफ फसल चराई में रोक, और साथ ही जो पशुधन है उसके नस्ल सुधार करने में भी बड़ा योगदान होगा। तो आगे चल के ये श्वेत क्रांति जो इंदिरा जी के जो सपना था उसे हम छत्तीसगढ़ में साकार करने में सफल होंगे। इस प्रकार से और एक बड़ी बात होगी कि हम लोग अब जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। जब हमारे पास वर्मी कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में होगा तो निश्चित रूप से हम जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारी बीमारियां जो अनाज के कारण से या फल सब्जी के कारण से होता है उससे हम लोग बच पाएंगे। तो एक बहुत बढ़िया बड़ी क्रांतिकारी योजना है और सभी की निगाह इसमें है। मैं समझता हूँ कि बहुत सफल कार्यक्रम होगा। इसमें सभी विभाग, चाहे वो पंचायत विभाग हो, चाहे हमारे कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, वन विभाग हो, राजस्व विभाग हो, सभी विभाग इसमें, क्योंकि सभी के योगदान से ही ये योजना चल रहा है और इसमें सभी का योगदान है, इसलिए और ग्रामीण जन इसमें इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे सबसे बड़ी योजना के रूप में ये गोधन न्याय योजना होगी, इसकी सफलता भी परिलक्षित हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपसे आपसे एक वृत्त चित्र बना है तो मैं उसे प्ले करने के लिए कहूँगा। वो यहाँ के जो हितग्राही हैं उनके कुछ अनुभव हैं जो साझा करना चाहेंगे। Thank you.
मेरे ही किसान को नहीं, सभी किसानों को इससे बहुत ही सारे लाभ मिल रहे हैं। जो अपनी क्षमता जो भी चीज लेना हो पूर्ण रूप से ले रहे हैं। भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना के तहत खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपज के बाद अंचित मूल्य पर दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल पर आदान सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना के दूसरी किस्त के रूप में और 1500 करोड़ रुपए राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त को जारी की जा रही है। इससे राज्य के लगभग 20 लाख किसान एक बार फिर से लाभान्वित होंगे। और राजीव गांधी योजना के पंचायत भवन में ला करके उन्हें नवा ट्रैक्टर दिखाया है। देखिए मेरे कांग्रेस के सरकार माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और आदरणीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के सब सरकार ला सब मंत्री मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देव साहब। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत मोला 13,154 रुपये राशि मिले है। और एक खाता में मोर 10 एकड़ करीब खेती हवा है, उन्हें मोला 25,000 राशि मिले है। सरकार है कहीं न कहीं हमारे किसान मन के लिए बहुत ही अच्छा योजना ली जिनमें हमारे किसान मन के भलाई हो थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे किसानी के बिना इस साल हरेली त्योहार यानी 20 जुलाई से छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी की गई। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों और किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रही है। इसकी दूसरी किस्त भी आज जारी की जा रही है। फोन लगाना है इसके बाद फोन लगाना है ना। किसानों को ताकत देने की इस योजना से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिली है और संकट के इस काल में संबल और सहारा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर छत्तीसगढ़ सरकार कई और मंजिलों को हासिल करेगी। अब इसी के साथ साथ मैं मुख्य सचिव को निर्देशित करता हूं कि किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपया और गोधन न्याय योजना में पशुपालकों को 4.5 करोड़ रुपया और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ रुपया उनके खाते में डालने के निर्देश करता हूं। इसके बाद शासकीय कार्यक्रम अब समाप्त हुआ और भाई मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं आग्रह करता हूं कि वो शिलान्यास के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के 22 जिलों के जिला कांग्रेस कमेटी के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन के भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में करोड़ों भारतीयों के दिलों में राज करने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ प्रभारी हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय पीएल पुनिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, प्रभारी सचिव आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य आदरणीय पी एस सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय शिव डहरिया जी, आदरणीय कवासी लखमा जी, आदरणीय सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष आदरणीय रामगोपाल अग्रवाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय रवि घोष जी, आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, आदरणीय गिरीश देवांगन जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय करुणा शुक्ला जी, आदरणीय राजेश राजेंद्र तिवारी जी, महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदरणीय फूलो देवी नेताम जी, आदरणीय सांसद छाया वर्मा जी, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई खोखो पाड़ी जी, एनएसआई के प्रदेश अध्यक्ष भाई आकाश शर्मा जी, सेवा दल के प्रदेश संगठक आदरणीय अरुण तांबेकर जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य, सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, संसदीय सचिव, सभी सांसद, सभी विधायक और सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से हुए हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथियों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी सम्मानित अध्यक्ष और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों, आज का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। 22 जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी के भवन राजीव भवन का आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के कर कमलों से भूमि पूजन शिलान्यास हो रहा है। विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और जन सहयोग से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भव्य कार्यालय का भूमि पूजन हुआ और आज हम उसी से संचालन हो रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने भवन की नींव रखी और इसका लोकार्पण भी किया। इसी निर्माण से हमें सभी जिलों में नया राजीव भवन बनाने की प्रेरणा मिली। प्रदेश कार्यकालय राजीव भवन हमारे लिए शुभ संकेत साबित हुआ। प्रदेश में 15 वर्षों से विपक्ष में रहने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और छत्तीसगढ़ की महान जनता ने ऐतिहासिक जनादेश के साथ 77-78 सीटों के साथ हमें सरकार में आने का मौका मिला। आज छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में माननीय प्रदेश राजीव गांधी जी के सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार आने के बाद इन 1.5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसानों को 5,700 करोड़ रुपया, छत्तीसगढ़ के 19,00,000 किसानों को दिया गया। आज दूसरी किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1,500 करोड़ छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को दिया गया। छत्तीसगढ़ के हमारे तेंदुपत्ता श्रमिक से लेकर जो हमारे आदिवासी भाई है, वनोपज खरीदी 432 करोड़ रुपए का खरीदी हुआ, जो 31 वस्तुओं का समर्थन मूल्य में खरीदी हुआ, पूरे देश में पहला नंबर है। इस लॉकडाउन अवधि में 26,00,000 मनरेगा मजदूरों को रोजगार दिया गया। कहीं न कहीं हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की 2,80,00,000 जनता की अपेक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। आज हम सब ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है, प्रदेश संगठन ने तय किया है, आज भूमि पूजन हो रहा है और 2021 तक हमारे सभी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बनकर तैयार हो जाएंगे और आने वाला 2023 और 2024 का चुनाव हम नए राजीव भवन से चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि 2023 में फिर से हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेंगे। हमारी सरकार ने, हम लोगों ने, हमारी संगठन ने तय किया है, कांग्रेस जनों ने तय किया है, हम 3 मूल मंत्र लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस
कहां से टीम, कहां से कार्यालय, कहां से कार्यकर्ता, कहां से कार्यक्रम, इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश संगठन आगे बढ़ रहा है और माननीय राहुल गांधी जी आपका निर्देशन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आपने बस्तर जैसे दूरसंचार के विधायक को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात दो तो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपका जो भी एचसीसी का निर्देशन है उन निर्देशों के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ सरकार की योजनाओं को आम जनता तक कैसे मिले, हमारे जावान कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए एक साल के चुनाव में बस्तर के दोनों उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के साथ साथ सभी चुनाव में जीतने का हमारे कांग्रेसजनों को जीतने का एक रिकॉर्ड बना है। इतिहास में पहली बार 10 के 10 नगर निगम हमारी कांग्रेस पार्टी ने जीती है। माननीय राहुल गांधी जी, कहीं ना कहीं आप सबका आशीर्वाद और हमारे वरिष्ठ जनों का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सभी का हम सबको सहयोग मिलना है। सामान्य संगठन के माध्यम से लगातार हम काम कर रहे हैं। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्म दिवस का पुण्य स्मरण करते हुए राजीव गांधी जी के सपनों के नवनिर्माण और विकास का संकल्प समृद्ध छत्तीसगढ़, गर्वो नवा छत्तीसगढ़ बनाने में हमारी सरकार और संगठन लगातार प्रयास कर रही है, आगे भी करते रहेगी। आप सबने और हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों ने आपका सानिध्य आशीर्वाद हमको आगे भी मिलता रहे ताकि हम छत्तीसगढ़ के कांग्रेसजन आगे बढ़े और संगठन के साथ साथ हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। माननीय राहुल गांधी जी, मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका सानिध्य और हमको आशीर्वाद मिला। 22 जिलों के नए भवन का शिलान्यास और 6 जिलों के नवीनीकरण आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों के लिए ऐतिहासिक दिन है। सभी सम्मानीय अतिथियों, आदरणीय पुण्य साहब, आदरणीय ओरा साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय चंदन यादव साहब, सभी का मैं कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत दिल से आभार प्रदर्शन करता हूँ। आदरणीय धन्यवाद प्रदर्शन करता हूँ आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय कांग्रेस। आदरणीय, मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, शिलान्यास के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को। आदरणीय राहुल जी, आज आपकी उपस्थिति में सभी जिलों में राजीव गांधी भवन का शिलान्यास की शुरुआत करने के आप अनुमति प्रदान करें। हाँ, करिए करिए। आदरणीय पुनिया जी से निवेदन की वो आशीर्वचन के दो शब्द। आदरणीय पुनिया राज, पुनिया साहब मेरी आवाज आ रही है? आपके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आपके चंद्रकांत खान जी विधानसभा अध्यक्ष, आदरणीय पी एस सिंहदेव जी, आदरणीय रामचंद्र साहू जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण और इस अवसर पर अनेक जनपदों से जुड़े हुए अपने अधिकारीगण,
प्रधानमंत्री हमने बड़े सम्मान और आदर के साथ प्यार के साथ देखते हैं, याद करते हैं। इन्होंने देश और देशवासियों को हर प्रकार से मजबूत किया, सशक्त किया और मजबूत आधुनिक भारत की नींव रखी। अभी अभी जो भूमि पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है, हर जिले में राजीव गांधी भवन का निर्माण किया जा रहा है। धन्यवाद। अब बहुत सम्मान के साथ हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी से मैं निवेदन करता हूं कि हम सबको आशीर्वचन के दो शब्द कहें। आदरणीय राहुल जी, मोहन मक्कम जी, पीएस सिंगल जी, चरणदास महंत जी, तनामनाथ साहू जी, हमारे सब मंत्री, सीनियर नेता, एमएलए, पीडीसीसी, डीसीसी, डीसीसी ऑफिस मैनर्स, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवादल के हमारे सब लोग भाई और बहनों, आप सबका आज मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। राजीव जी का जन्म दिवस है तो आज हम सब उनको याद करते हैं, उनकी विचारधारा को हम याद करते हैं। देश की हालत आपको दिख रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बोलूंगा, मगर छत्तीसगढ़ में जो हम काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। आज हमने किसानों को पैसा दिया और हमारी जो सरकार है वो एक प्रकार से गरीबों की रक्षा करने वाली सरकार, और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग, हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले लोग हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बेरोजगार युवा हैं, और बिना इनकी रक्षा किए ये देश आगे नहीं जा सकता। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में जो पायनियरिंग काम कर रहा है, चाहे वो योजनाओं के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट किसानों को पैसा देने की बात हो, चाहे वो आदिवासियों की मदद करने की बात हो, वो एक प्रकार से पायनियरिंग काम कर रहा है। तो मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सब लोगों, मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को,
पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर प्रोत्साहन पारिश्रामिक को लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वर्चुअल के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ बैठकर योजना को लेकर के भी विस्तार से जानकारियां दी जा रही हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि वीडियो के जरिए राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। हालांकि कुछ देर पहले राहुल गांधी अपना संबोधन दे रहे थे, तो गौधन न्याय योजना इसके बारे में भी विस्तार से इस कार्यक्रम में बात की जा रही है। प्रोत्साहन राशि आज के शुभ मौके पर जो तमाम हितग्राही हैं उनके उनको इस योजना का फायदा कितना होने वाला है आगामी वक्त में, ये भी तमाम बातें चल रही हैं इस कार्यक्रम में।